Okay, everyone's. everyone's Here I back with the same subject science as you know, and as you saw in our previous video, we had a study about the chapter number 1, 2, 3, and 4. So now today we are going to start the chapter number 5 that is acid base and salts. In chapter number 1, 2, 3, 4 of class 7th in science, we had a study about nutrition in plants, nutrition in animal, nutrition in human, and at the last हीट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज एसिड बेसन सॉल्व बिफोर स्टार्ट द चैप्टर लेट्स रिकॉल एंड लेट्स प्रिपेयर अ लिस्ट फ्राम आवर किचन साइड सो लेट्स मूव इन अवर किचन बिकॉज नाव डेज इन अ कोरोना हमने बहुत किचन में बहुत अच्छा अच्छा खाया है सो so कुछ एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमने बहुत कभी टेस्टी खाया है कभी स्पाइसी खाया है कभी थोड़ा सा फीका खाया है और कभी बहुत चटपटासा खाया है सो ऑल इज वॉट डिपेंड अपॉन अवर टेस्ट सो फर्स्ट वी प्रिपेर अ लिस्ट लाइक हमने फ्रूट्स भी खाए हैं एप्पल मैंगो ऑरेंज एंड मोस्ट ऑफ़ हमने खाए एज अ लाइक नाउ हमने केक तो बहुत सारा यम्मी यम्मी खाया है एंड यम्मी अम्मी खाया है सो केक में हमारी मम्मा ने कुछ कुछ आइटम्स ऐसे भी यूज किए हैं जिसका टेस्ट बहुत स्वीट है जैसे शुगर कभी उन्होंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है डेट इज़ बीटर टेस्ट किया है आज टेस्ट करना ज़रूर एंड एट द लास्ट मैदा है ना स्टार्च डेट इज़ तो उसका टेस्ट है बट हम सभी को साथ में बनाते हैं सो so हमारे लिए एक डिश बनती है सो ऑल दिस इन्ग्रीडियंट्स ऑल दिस टेस्ट आर कमिंग फ्रॉम अवर द बेसिक सब्सटेंस दैट इज नोन एज एसिड बेस एंड सॉल्ट सो आज मैं आपको कुछ एसिड कुछ बेस और कुछ साल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जा रही हूँ सो सब्सटेंस जिसका टेस्ट स्वीट्स होता है सौर होता है और बिटर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन करते हैं सब्सटेंस विच हैज शोर इन टेस्ट एंड सब्सटेंस विच आर बिटर विथ सोपी इन टेस्ट हम मैंने क्या कहा कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका टेस्ट बहुत सौर मतलब खट्टा सा होता है बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका थोड़ा सा कड़वा होता है और कुछ टेस्टलेस होता है सो so यहाँ पर लुक एट द बोर्ड्स यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं एट फ्राम माई लेफ्ट साइड एसिड बेस सॉल्ट इंडिकेटर एंड द इंडिकेटर्स वे कवर्ड लिटमस टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स एंड एट द लास्ट न्यूट्राइजेशन सो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी है और जैसे कि मैंने बताया है हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं सो हियर आई मेड अ लिस्ट ऑफ़ सम सो टेस्ट एंड सम बिटेरिन टेस्ट सो सोर इन टेस्ट कर्ट डेट इज़ दही हमने बहुत खाया है लेमन जूस ओरेंज विनेगर सो so, इन सबका टेस्ट हमें पता है हम बहुत फैमिलियर से हैं इन सब सारे वर्ड से सो so, इनका टेस्ट कैसा है आपका सोर खट्टा तो सब्सटेंस विच आर सोर इन नेचर इज नोन एज एसिड सब्सटेंस बट हियर आई मेंशन बेकिंग सोडा सोप ब्लीच वॉशिंग पाउडर किसी ने सर्फ एक्सल खाया है नहीं खाया है उसका जो टेस्ट होता है वो इन टेस्ट होता है सो so, ये सारा जो मैंने कंटेंट्स लिखा है वो क्या है बेस तो so, यहाँ पर डेफिनेशंस भी हम बनाते हैं द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट इज नोन एज बेस सो यहाँ पर वन वर्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं गिव द एग्जाम्पल फॉर द एसिड सब्सटेंस गिव द एन एग्जाम्पल ऑफ बेस सब्सटेंस सो यहाँ पर हमने वन मार्क्स क्वेश्चन और टू मार्क्स से एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लिए इस चैप्टर से नाउ मूविंग फ्रॉम द नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिडिक इन नेचर है बट बेसिक इन नेचर नहीं है सो so, उसको हम क्लासीफाइड करेंगे यहाँ हम क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस uh, ऐसे हैं जो बेसिक इन नेचर है बट एसिडिक इन नेचर नहीं है सो so वाई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हम खाते तो सब साथ में ही है लाइक like हमने केक प्रिपेयर किया था तो उसमें हमने मीठा भी डाला था प्लस सोडा भी डाला था सो वाई इट इज सो सो इट डिपेंड्स ऑन अवर टेस्ट एंड सम मैथड सो हम नेक्स्ट हमारी मैथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सो so यहाँ पर मैंने एसिड्स का क्लासिफिकेशन लिखा है द फर्स्ट वन इज Naturally acids and the second one is mineral acid Both the classifications are clear from its name that is, naturally we gain from our natural. Uh, naturally means what we directly uh, gain acid from fruits like apple, apple may be acid, say grapes, grapes may be acid, say so. These are ultimately found in our naturally uh, types, so these are covered in these acids. Second one is mineral acids. एसिड्स विच वी आर गेनिंग विच वी आर कंटेनिंग फ्रॉम मिनरल साइट्स, इज नोन एज मिनरल एसिड्स सो मिनरल एसिड्स कौन से होंगे जो कि हमें मिनरल से मिले नाउ हियर आई मेंशन सम एग्जांपल इन अ एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड एंड द थर्ड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स हम इसका यूज कहाँ करते हैं वॉशिंग द क्लॉथ Cleaning bathrooms, so cleaning our uh, sink in a kitchen. So these type of acids we are used in our day to day life also. Secondly, here I mentioned some example, some acidic form of basic substance which are in a sodium hydroxychloride, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. So these are the uh, basics example of. बेसिक सब्सटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे ही हम एसिड और बेस के बारे में सुनते हैं ना तो एसिड्स के बारे में आता है हमें कि हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए हमारा हाथ जल जाएगा एंड सो ऑन बोस्ट मोस्ट ऑफ दी थिंग्स हमारे माइंड में करती कर्सी सो इट इज़ नॉट लाइक दिस कुछ एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कुछ एसिड्स होते हैं जो एक्चुअल में बहुत डेंजरस होते हैं सो so, क्या हम उसको हर एसिड को या हर सब्सटेंस को क्या चेक कर देखेंगे नहीं ऐसा नहीं है हम सारे सब्सटेंस को चक कर नहीं देखेंगे सो फॉर दिस वी हैड वन मैथड वी हैड वन नेक्स्ट स्टेप डेट इज एन इंडिकेटर वॉट इज द रोल ऑफ इंडिकेटर इंडिकेटर क्या कर रहा है अ सब्सटेंस वीच यूज टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक्स मीन्स वॉट हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक द सब्सटेंस इज एसिड इन नेचर और अ बेसिक इन नेचर सो वी हैड सम इंडिकेटर मैथड सो इन फॉर अबर द नेक्स्ट हियर अगेन हीशन इंडिकेटर में मैंने यहाँ पर तीन चीज मेंशन की है डेट इज़ द लिटमस टर्मेरिक एंड चाइना रोज पैटर् सो बेसिकली इंडिकेटर का रोल क्या होगा इंडिकेटर का यूज क्या होगा इंडिकेटर आर यूज टू फाइंड वेदर द सब्सटेंस एसिड और वेदर द सब्सटेंस बेसिक सो फॉर द नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स का नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं द फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर ओके लिटमस बेसिकली जो लिटमस है वो आपको टू टाइप से प्रोवाइड होगा द फर्स्ट वन इज इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज इन अ पेपर फॉर्म सो वी हैड एन टू टाइप्स फॉर यूजिंग द लिटमस पेपर टू आइडेंटिफाइड द सब्सटेंस वेदर इट इज एसिड और अ बेस सो बेसिकली जो लिटमस है इट इज एन एक्सट्रेक्शन फॉर्म ऑफ लिचेंस सेकेंड इट इज नेचुरल डाई थर्ड एसिड लिटमस पेपर पर जैसे होगा तो इट हैज़ अ क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर मीन्स एवरी इंडिकेटर हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ फीचर दैट इट इज चेंज इट्स कलर आफ्टर द ऑब्जर्वेशन आफ्टर द प्रोसेस सो लिटमस पेपर जैसे कि मैंने बताया है टू टाइप से है आपके पास में द फर्स्ट वन इज इन अल्यूशन फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज इन अ पेपर फॉर्म सो इफ द सॉल्यूशन और अबस्टेंस इज एसिडिक इन नेचर सो लिटमर लिटमस पेपर चेंज इज कलर इन टू अ रेड बट इफ द सब्सटेंस आर हैविंग अ बेस सो कलर विल चेंज इन अ ब्लू सो यहां पर मैंने आपको तीन से चार चीजें बताई है सो लेट्स रिकॉल फ्रॉम अवर स्टार्ट फ्रॉम डेट हमने स्टार्ट किया है दैट इज एसिड बेस इन सोल्ट एसिड दैट इज टेस्ट सोर बेस टेस्ट इज बिटर हियर आई मैंशन अ लिस्ट फ्रॉम अवर डे टू डे लाइफ Here I mentioned some acid which are rarely found, but we can use in our day-to-day -day life. Here I mentioned some keywords which we had going to start our lessons, and for the indicator, we had a three litmus. First, extraction from lichens that is the form of uh, antibacterial, fungus, microorganism So ultimately, we have natural sources hai, natural dye color karta hai. Two types of that is one the solution and paper for the acidic it turn red for the base it turn blue so moving to the next that is turmeric yes so this is turmeric turmeric का मतलब होता है हल्दी हल्दी हमारे किचन में हम डेली हमारी मम्मा यूज़ करती है सो so, टर्मेरिक uh, हमारे लिए बहुत फैमिलियर है सो so, टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर का यूज है सो फर्स्ट आई रिकॉल अगेन इंडिकेटर व्हाट डज इट मीन अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वेदर इट इज़ एसिडिक इन नेचर और बेस इन नेचर सो टर्मेरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर्स विच वी आर वेरी हेल्पफुल इन अवर डे टू डे लाइफ फॉर ऑब्जर्विंग फॉर प्रिडिक्टिंग द सब्सटेंस इज एसिडिक इन अ नेचर सो जैसे कि हमने लिटवस पेपर में देखा था इफ द सब्सटेंस इज एसिड द कलर विल बी रेड बट फॉर बेस द कलर विल बी ब्लू सो यहां पर हमारे पास में थ्री ऑब्जर्वेशन है दट द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन हैविंग एसिड एसिडिक इन नेचर

सो so, हम क्या कर रहे हैं लिटमस पेपर के लिए सॉरी टर्मेरिक यूज़ करने के लिए एज ए इंडिकेटर आपको एक स्टेप uh, फॉलो करनी होगी आपको एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेना है उसमें टर्मेरिक को पूरा फिल करना है घोलना है एंड उसके अंदर पेपर को डिप करके रखना है डिप करने के बाद में उस पेपर को आप थोड़ा फ्राई सूखने के लिए रख देंगे हाफ एन मिनट उसके बाद में आप क्या करने वाले जो सूखा पेपर है जिसको हम टर्मेरिक पेपर बोलते हैं सो so, उस टर्मेरिक पेपर को आपको सॉल्यूशन में डिप करना है जो सॉल्यूशन जो सब्सटेंस को आप फाइन करना चाहते हो कि वेदर इट इज एसिड और बेस आई रिपीट टर्मेरिक इज़ वर्क एज एन इंडिकेटर टू फाइंड आउट द सब्सटेंस इज इन एसिड और नेचर और बेस इन नेचर सो हम क्या कर रहे हैं आपने एक बाउल में वाटर लिया है उसको गर्म करके हल्दी डाला है उसमें पेपर डिप किया है उस पेपर को थोड़ी देर सूखने रखा है सूखने के बाद में आपने उसकी स्ट्रिप्स को यूज करना है एज अ टर्मेरिक पेपर टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सबिस्टेंस सो फर्स्ट अगर पेपर सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन के अंदर आपने टर्मेरिक पाउडर को आ, पेपर को डिप किया है इफ द कलर विल रिमेन द सेम इट मीन्स द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल और वी कैन से डेट द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर मीन्स कलर विल रिमेन द सेम डेट इज येल्लो एंड येलो बट इफ दॉल्यूशन हैविंग बेस अगर वो सब स्टेंस बेसिटिक इन नेचर है सो पेपर का कलर कैसा हो जाएगा चेंज रेड इन कलर सो यहां पर भी आपको यह देखना है कि पेपर का कलर चेंज हो रहा है एज पर द इंडिकेटर एज पर दॉल्यूशन सो हियर वी कैन इजिली ऑब्जर्व द टेबल आफ्टर अप्लाइंग दिस मैथड सो यू कैन ईजीली ऑब्जर्व दिस टेबल इन अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन नाउ लास्ट but not the least that is the china rose petal china rose petal have you heard about the rose yes have rose petal is both a and the varieties we also already know in different different colors and their different different fragrances so china rose petal is one of the kind of rose and it is used in to find indicator for the solution are having acidic in nature and बेस इन नेचर अगेन वी आर हैविंग स्टेफ टू फाइंड आउट दिस इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडिकेटर को यूज करने के लिए ये इंडिकेटर को यूज करने के लिए आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज फ्रॉम चाइना रोज सोल्यूशन ओके okay, सो so उस सॉल्यूशन को आप कैसे बनाएंगे आपको टू एम एल वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में वाटर को बॉईल करना है उस बॉइल्ड बॉइल्ड वाटर के अंदर आपको इस चाइना रोज पैटल्स की दो तीन पैटल्स उसके अंदर डालना है जैसे ही उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा उसको आपको थोड़ा सा ठंडा करने रखना है अब आपको जैसे कि पता है कि इंडिकेटर क्या कर रहा है दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाइड यूज टू आइडेंटिफाइड द सब्स्टेंस वेदर इज इट इज इन एसिडिक्स और अ नेचर सो हम क्या कर रहे हैं कि हमें जिस भी सोल्यूशन को यूज करना है या चेंज करना, करना है या चेक करना है सो हम इस चाइना रोज पैटल सॉल्यूशन को यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई वॉट द सब्स्टेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेस इन नेचर सो हम कैसे करेंगे सो सेम प्रोसेस जैसे कि हमने टर्मेरिक को यूज करने के लिए लिया था सेम वी आर गोइंग टू यूज दिस चाइना रोज पैटल फॉर आइडेंटिफाइड इंडिकेटर एज इज द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर है ना बेस इन नेचर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है सबसे पहले लेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल फॉर अवर होम सर्फ का पानी हमारे पास है है ना सो so, आपने क्या किया एक कंटेनर में आपने उसे मिक्स करके रखा है एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट वेदर डट सॉल्यूशन आर एसिड और बेस सो वॉट वी यूज अ चाइना रोज पैटल हम क्या कर रहे हैं उस सॉल्यूशंस के अंदर इसके ड्रॉपलेट्स डाल रहे हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग टू ड्रॉप दिस सॉल्यूशन इन दैट वॉटर सॉल्यूशन वॉटर सो वॉट वी गेन द फर्स्ट वन इज टू चेंज इन कलर मीन्स वॉट वी हैव अ थ्री कलर अगेन द फर्स्ट न्यूट्रल सेकेंड मैजेंडा थर्ड पिंक थर्ड पिंक सो इफ द सॉल्यूशन आर हैविंग एसिडिक इन नेचर सो इट हैज अ टू कलर

दर इट इज एसिडिक इन नेचर और बेस्ट इन नेचर सो हमने यहाँ पर तीन चीजें यूज की थी द फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर सेकेंड वन इज़ टर्मेरिक थर्ड वन इज चाइना रोस पैटर सो नाउ यहाँ पर मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट रिकॉल फ्रॉम द स्टार्टिंग डैट इज वी यूज वी

थर्ड इज ब्लीच फॉर अवर स्टाइलिश कॉर्नर ब्यूटिशियन यूज द ब्लीचिंग फॉर रिब्यूटिंग द आइटम्स एंड वॉशिंग पाउडर सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैविंग अ हाईली अमाउंट ऑफ बेसिक इन द नेचर सो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन फॉर्म हुई अबस्टेंस विच आर बिटर एंड सोपी इन टेस्ट इज नोन एज बेस सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो जो अराइज होते हैं सो so मैं आपको वो बता देती हूँ The first one is example of acid. Write down the example of base. Define acid. Define base. Or we can say that a number of questions like differentiation between acid and base. These are the most common and rare questions which already and which already having our taste corner. So here we have some examples. Yes, here I missed hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. So these are the acids which are forming from our acidic in nature sites. Sodium hydro hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. These are from our basic side. So here we have example. Dekhe te, that is acidic in nature and base in nature. For the moving for the next, that is indicator. Indicators are used to find out whether the substance is.

लाइक like, आपने नींबू पानी ले लिया दैट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्यूशन आपने शुगर वाटर ले लिया दैट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्यूशन आपने सोप को मेल्ट करके भी एक सॉल्यूशन बना लिया या सर्फ को घोल कर भी एक सॉल्यूशन बना लिया अनदर वन इज द साइट्रिक एसिड हमने थोड़ा सा साइट्रिक पाउडर को यूज करके एक और सॉल्यूशन बना लिया सो दीज आर द सॉल्यूशन वी ऑलरेडी हैविंग इन आवर किचन कॉर्नर्स इन आवर होम सो फॉर दिस सॉल्यूशन वेरी वेरी यूजफुल टू नो